हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? तो अभी आप देख रहे हैं, हम लोग रास्ते में हैं। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर तिब्बती मार्केट। सर्दियाँ आ गई हैं तो उसी पर्पज़ से थोड़ा बहुत मटेरियल हम लोगों ने खा देख कर आए, क्योंकि हर सर्दियों में यहाँ पर तिब्बती मार्केट लग जाता है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो देख कर आते हैं, कुछ समझ में आता तो ले लेंगे वहाँ से, क्योंकि अच्छा माल आता है वहाँ पर, गर्म मटेरियल अच्छा रहता है। अभी हम लोग आ गए हैं तिब्बती मार्केट। कुछ यहाँ पर ये शॉप देखिए बाहर लगी हुई हैं, और यहाँ पर ये जो हमारे यहाँ का झांसी का मैन चौराहा, इलाइट चौराहा, वहीं पर पास में लगता है। तो यहाँ पर पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वही देखिए बहुत प्रॉब्लम होती है, कुछ पार्किंग की अच्छी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, तो वही प्रॉब्लम आती है पार्किंग में। सब लोग अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए परेशान होते हैं, तो वही कुरेसी जी पार्क कर रहे हैं गाड़ी यहाँ पर। तो मैंने बाहर थोड़ा सा सूट किया, और पहले बहुत बड़े एरिया में यहाँ पर लगता था, अब थोड़ा सा कम कर दिया है। तो इस तरह से तिब्बती रेफ्यूजी मार्केट वेलकम यू इस टाइप से लिखा हुआ है। और चलिए अब अंदर चलते हैं, तो देखते हैं कि क्या सब कुछ समझ में आता है, कैसा मटेरियल है। अभी तो सर्दियाँ आई हैं, हाँ अभी और भी अच्छा मटेरियल आएगा बाद में, बोल रहे थे वो लोग। और हमारा मार्केट एक दाम का है। धन्यवाद। सभी ग्राहकों का तिब्बती मार्केट एसोसिएशन में स्वागत है। ग्राहक कृपया ध्यान दें, अपने वाहन पास एवं कीमती सामान की रक्षा स्वयं करें, खास करके जेब कतरों से सावधान रहें, और आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। धन्यवाद। यहाँ पर कुरेसी जी देख रहे हैं अपने लिए ये जैकेट, और ड्यूटी के पर्पस से देख रहे थे वो, तो बस तो इसी टाइप से उनके पास एक जैकेट और भी थी, तो मैंने कहा नहीं थोड़ा सा दूसरा कुछ कलर देखिए। लेकिन तो यहाँ पर एक जैकेट पसंद आ गई है कुरेसी जी को, जो वो बेयर किए हुए हैं उन्होंने, तो मैंने कहा चलो ये ठीक है, ड्यूटी के पर्पस से भी ठीक है, रफ एंड टफ है, और कलर भी ये दूसरा हो गया आपकी पहली वाली जैकेट जैसा नहीं है ब्लैक, तो ये वाली जैकेट हम लोगों ने पसंद की। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए जैकेट देख रही हूँ, और मैं चेयरमैन सब देख रही हूँ कि सब ठीक ठाक है कि नहीं। चेंज तो वो लोग कर लेते हैं, बस वही है एक बार आना बड़ी मुश्किल से होता है, फिर चेंज करने आना पड़ेगा, तो फिर सब देख दाख के लिया जाए तो अच्छा है। तो ये जैकेट मुझे पसंद आ रही थी, और ये मैं अपने भांजे के लिए देख रही हूँ, यानी कुरेसी जी के जो सिस्टर हैं उनके बेटे के लिए देख रही हूँ। तो ये अच्छा लगा मुझे ये वाला। और मैं अम्मू के लिए जैकेट देख रही हूँ, और मैंने सोचा कि ऐसे डेली मतलब घर पे पहनने के हिसाब से मैं देख रही थी, बट उनके डैडी बोले कि वो मुझसे बोल रहा था, वो मुझसे भी बोल रहा था उस साल बोल रहा था, और कि लेदर की जैकेट लेना है डैडी मुझे। तो मैं सोच रही थी कि उसकी छोटी हो गई जैकेट सारी, तो ऐसे ही घर के हिसाब से ले ली जाए, लेकिन फिर वो बोल रहा था लेदर की जैकेट लेना है, तो मैं तो देखते हैं। मैं यहाँ पर स्टॉल देख रही हूँ, कुरेसी जी बोल रहे हैं तुम भी अपने लिए ले लो कुछ, तो मुझे लेना तो नहीं था, बट मैंने कहा चलो थोड़ी वगैरह तो मुझे लेना नहीं है, तो स्टॉल देखते हैं। बट बहुत कॉस्टली स्टॉल लग रहे थे मुझे, और बार्गेनिंग का यहाँ पर कोई काम नहीं है, फिक्स रेट है जो है उनके, तो वही आपको लेना है। तो अभी मैं देख रही हूँ स्टॉल कि कुछ मिल जाए, स्टॉल अच्छा लगा था और कॉस्ट वाइज भी अच्छा लगा था मुझे, और सिंपल सा मुझे लेना था, कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह वाला नहीं लेना था, पार्टी वेयर सिंपल ही लेना था। तो मैं इसको वेयर करके देख रही हूँ कि कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा था, कलर वगैरह भी अच्छा लग रहा था। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो अभी मैं आपने देखा मैं तिब्बती मार्केट गई थी शॉपिंग करने,
शॉपिंग तो कुछ नहीं करना थी, थोड़ी बहुत शॉपिंग थी, बच्चों की शॉपिंग करना थी और मतलब ऐसे ही घूमने के पर्पज से चले गए थे, लेकिन जब जाते हैं तो फिर शॉपिंग हो ही जाती है। तो मैं क्या खरीद के लाई हूँ अभी आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने स्टॉल ही जो मैंने ओढ़ के रखा हुआ है तो ये लिया था, तो ये स्टॉल मुझे पड़ा है 300 रुपीज का, और वहाँ बार्गेनिंग का कोई काम नहीं है और फिक्स रेट है जो भी है आपको, बस मतलब ये नहीं है कि कम बार्गेनिंग नहीं होती है, वहाँ पे फिक्स रेट होते हैं, एक दाम होते हैं। तो मैंने एक स्टॉल ये लिया था और एक स्टॉल मैंने ये लिया है, ये ब्लैक कलर का है, तो सभी ड्रेसेस पर वेयर कर सकते हैं इसको। तो रेड भी अच्छा लग रहा था और ये 300 का है रेड, और ये जो ब्लैक कलर का है ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी किसी सभी ड्रेसेस पर वेयर कर सकते हैं ब्लैक, और इसमें एम्ब्रॉयडरी है और ये मुझे पड़ा है 900 रुपीज का। और एक लेदर की जैकेट ली है, अम्मू बोल रहा था, मम्मा बहुत दिनों से बोल रहा था लेदर की जैकेट के लिए, उस साल भी बोल रहा था बट मैंने उस साल नहीं दिलाई, तो उसके लिए एक लेदर की जैकेट ली है। तो ये पड़ी है 1800 रुपये की कोई पड़ी है। और एक जैकेट ये ली है मैंने, तो एक ये जैकेट ली है, ये मैंने ली है अपने भांजे के लिए, यानी कुरैसी जी के सिस्टर हैं उनके बेटे के लिए, कल उसका बर्थडे है तो उसके गिफ्ट के लिए मैंने लिया है ये जैकेट। ये भी बहुत अच्छा जैकेट है, फूल वाला जैकेट है, और ये पड़ा है 900 का, मतलब 870। और एक कुरैसी जी की जैकेट है, ये भी बहुत अच्छी है जैकेट, और दोनों तरफ से वेयर कर सकते हैं, एक तरफ से दो कलर है, एक रेड कलर है एक ग्रे कलर है, तो दोनों तरफ से आप वेयर कर सकते हैं। तो बस ये है, और अभी और माल आएगा बोल रहे थे, अभी कैब वगैरह नहीं आए थे वहाँ पर, इतने अच्छे नहीं थे, तो बस मुझे जैकेट सी अच्छी लगी और तो अभी तो यही खरीदा है, और जाएंगे अभी एक आध बार तो अगर कैब में थोड़ी छोटा मोटा सामान देखने के लिए जाएंगे। तो कैसा लगा आपको मेरी शॉपिंग बताइएगा तो ज़रूर, और कमेंट करके वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।